सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फहरिस्त बनाकर दो। हमारे पास इस वक्त कितनी जगह मौजूद है और उन जगहों पर कितने आदमी हैं। उम्मीद करता हूं इस फहरिस्त में तुम तमाम तफसीलात दे दोगे। चामगोस, इन कर्जों के मुआहदे पर मोहर लगाने के लिए हमारी वाहिद शर्त, फौत साहब को इंतजामिया के सरबरा का मनसब सौंपा जाए। ठीक है, फौत साहब को इंतजामिया का सरबरा तैनात करते हैं हम। तुम अपनी हुक्मरानी के लिए ज्यादा जमीनों की आरजू रखती हो, ज्यादा लोग तुम्हारे लिए काम करें ये चाहती हो, लेकिन मैं आजाद हूँ। रोथस्चाइल्ड साहब जिस इमारत का जिक्र कर रहे हैं उसका जायजा लीजिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन इन्हें मुहैया की जाए। वहाँ काफी गरीब लोग मौजूद थे सुल्ताना। इंतजामिया ने बताया कि यहाँ शिवलास खातून के कहने पर खाना तकसीम किया जाता है। ये अच्छा हुआ कि हमें आपके एहसास का इल्म हो गया, इसलिए हम आपको अच्छी तरह जानना चाहते हैं। जब हमारा दुश्मन गम की आग में झुलस रहा है, अगर ऐसे में तुम उसके सामने जाने की हिम्मत कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चामगोज आर्मेनियन जमात का रुकन था, यह आश्कार है। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम इसे जहाँ चाहे दफन करो। क्या हुआ? जब हम आपका इंतजार कर रहे थे तब वहाँ पर एडवर्ड जॉरिस आ गया। वो तुमसे किसी का तारुफ करवाना चाहता था। बिल्कुल, और इसके लिए वो उस लड़की को वहाँ पर ले आया जो पाया तख्त में हमारा वाहिद ठिकाना था। जॉरिस पर तुम्हें एतमाद करना चाहिए शिवनाज। एतमाद नहीं बाबा, इताहत चाहता है वो। तो फिर तुम्हें इताअत करनी पड़ेगी। अब्दुल हमीद के साथ क्या किया हमने ये जानना नहीं चाहेंगे आप? क्या हुआ? मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। लेकिन वो फुआत को गिरफ्तार करने वाला था। ऐसा कैसे कर सकता है वो? जब हमने मुआहिदे पर दस्तखत किए तो अब्दुल हमीद ने सिपाहियों को बुलवा लिया, लेकिन हमने उस वक्त मोहर नहीं लगाई थी। और फिर हमने फवाद को कर्जों की इंतजामिया का सरबरा बनाने की शर्त रख दी और इसे गिरफ्तारी से बचा लिया। यानी वो सब कुछ जान चुका है और इस तरह उसने अपने कर्जों से निजात पा ली। इसीलिए तुम्हें अब जोरिस की इताअत करनी होगी। तुम्हारी जहानत नाकाम हो गई, राज फाश हो गया तुम्हारा,
तो अब हम क्या करेंगे? अब्दुल हमीद जल या बदेर इसकी सजा हमें जरूर देगा। क्या होगा अब? उसकी नजरें हम पर हमेशा रहेंगी। चूंकि अब सब कुछ वाज़े हो चुका है, लिहाजा अब्दुल हमीद के खिलाफ हम खुली जंग करेंगे। और हमें अपनी जंग का नतीजा मालूम है। मात होगी हमें। हरगिज नहीं। तो फिर हम कैसे जीत सकते हैं? अब्दुल हमीद को मारकर। सुल्ताने मौसम, उस्मान साहब के कहने के मुताबिक शिवनास खातून उस जगह पर गरीब लोगों में खाना तकसीम करती हैं। ताहम वो खुद वहां मौजूद नहीं थी। मुख्तसर ये कि हमने वक्त जाया किया आपका। आपके साथ गुजारा हुआ कोई लम्हा जाया नहीं होता मलिका। ये हमेशा सुकून और मोहब्बत, जज्बात और एहसासात से भरपूर होता है। आपका शुक्रिया सुल्ताने मौसम। जैसा कि आप जानती हैं, शिवनास खातून के मंगेतर फुआद साहब के बारे में हमारे शुभात रोज बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनके बारे में तमाम मालूमात पहुंचाएं। आप जानते हैं हम नाइंसाफी से डरते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम शिवनास खातून के बारे में जो सोचते हैं वो शायद गलत है। हो सकता है कि उन्हें फवाद साहब के इकदामात के बारे में कोई खबर ना हो। हमें आपकी सोच पे मुकम्मल एतमाद है मलिका, आपको भी होना चाहिए। हमारा दुश्मन हमारे घर आए और हमें मुस्कुराता देखे, ये भी इंतकाम लेने का एक तरीका है। हम सब अपने जज्बात को काबू करके ही मुकाबला कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना हम शिवनास खातून को महल छोड़ने का कहते? इन शुभात के साथ रहने से तो यही बेहतर है ना। इसके बरक्स मलिका, शिवनास खातून को उनके होने वाले शोहर की तरह महल में ही रहने दीजिए। जब तक वो यहाँ रहेंगी, उनके हर कदम पर निगाह रख सकेंगे हम। दरअसल हमने आपको यहाँ एक खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है। वो क्या है सुल्ताने मौसम? अल्लाह का शुक्र है कि आखिरकार हम बहुत जल्द दारुल हयर अली का इफ्तिताह करने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है। कब सुल्ताने मौसम? कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो गरीब और यतीम बच्चों के लिए कपड़े तैयार करवाना बाकी है। हमने आपको इसीलिए बुलाया है मलिका। क्या इफ्तिताह से पहले पहले आप गरीब बच्चों के लिए कपड़े तैयार करवा लेंगी? आप परेशान मत हो सुल्ताने मौसम, अल्लाह के हुक्म से हम दिन रात मेहनत करके इसकी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। इत्मीनान रखिए। आफरीन। तो आपने उस्मानी यतीम बच्चों की दर्सगाह के लिए इमारत का अतिया किया है अब्दुल हमीद को? मुझे मालूम था कि आप बहुत नरम दिल हैं। हमें गरीबों और यतीमों के बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हमें दिलचस्पी होती तो हम इतने ताकतवर और दौलतमंद ना होते। तो फिर आपने उसे इमारत क्यों दी? क्योंकि वो इमारत अब्दुल हमीद की कब्र साबित होगी। आप क्या करने वाले हैं? अब्दुल हमीद को इफ्तिताही तकरीब में मारने का मंसूबा बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो याद रखें कि वो हमसे एक कदम आगे रहता है। अगर वो आता भी है तो पूरी एहतियाती तदबीर के साथ आएगा। और आपने ही तो कहा था कि उसे आप पर शक है। वो ऐसा खतरा कभी भी मोल नहीं ले सकता। दुरुस्त। इस बार उसके शकूक उसे नहीं रोक सकेंगे, उसे वहां आना ही पड़ेगा। अब तुम जाओ और अब्दुल हमीद के हिफाजती इकदामात करने वाले बादशाह से तमाम मालूमात हासिल करो। हम उसी के मुताबिक अपना मंसूबा बनाएंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे इस्माइल हकी साहब। अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमाए सुल्ताने मौज़म। ये वो कर्ज है जो आप मुझसे चाहते थे। आठ सौ लीरा। जी सुल्ताने मौज़म। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, हम बहुत जल्द ये कर्जा वापस कर देंगे। अब इजाजत दीजिए मुझे। सुल्तानी मौसम, इजाजत चाहता हूं।
दरवाजा खोलो। इस्माइल हकी साहब। कहिए पाशा। इस्माइल हकी साहब, मैं जानता हूं कि सुल्तान मौज़म को 800 लीरा की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने आपसे कर्ज क्यों लिया मैं समझा नहीं। बेशक वो बहुत दौलतमंद है और वो दौलत उन्हें तिजारत से हासिल हुई है। बिल्कुल, लेकिन सुल्तान मौज़म ने आपसे कर्ज क्यों लिया है? सुल्तान मौज़म ने एक हदीस शरीफ सुनी थी। अब्दुल्ला इब्ने जाफर रजी अल्लाह तआला अनो से रिवायत है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, कर्ज ऐसी चीज के बारे में नहीं है जिसे अल्लाह ना पसंद करता हो, तो अल्लाह ताला मकरूज के साथ तब तक है जब तक वो अपना कर्ज अदा नहीं कर देता। अब्दुल्ला इब्ने जाफर नुमाइंदे से कहा करते थे कि जाओ और मेरे लिए कर्ज ले आओ। रसूल अल्लाह की यह हदीस सुनने के बाद मैं जिंदगी में एक भी रात अल्लाह के बगैर नहीं गुजार सकता। सुल्तान मौज़म भी उस हदीस के मुताबिक कभी कभी मुझसे कर्ज ले लेते हैं। हम कितने खुशनसीब हैं इस्माइल हकी साहब कि हमारे सुल्तान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे सुल्तान मौज़म की उम्र दराज करे। आमीन आमीन पाशा। कारो जनाजे में क्यों आया था जनाब? फितना फसाद फैलाने के लिए। आपने उसे क्यों छोड़ दिया? जामगोस किस मजहब से ताल्लुक रखता था तातार? किस मजहब से क्या मतलब? यकीनन इस्लाम से। क्या आखरत पे इसकी गवाही दोगे? अल्लाह की कसम है जामगोस जिंदा भी इस्लाम पे रहा और मरा भी इस्लाम पे। तौबा नऊज़ुबिल्लाह, ये क्या है जनाब? उसका कहना था कि जामगोस ईसाई था और उसे वो अपने कब्रिस्तान में दफनाना चाहते थे। साजिशी लोग। भतीजों को नहीं बताना, उनके दिलों में शक पैदा हो जाएगा। हमें आपके नुकसान पर दुख है खलील खान। आपके नुकसान पे दुख हुआ। हमें कुछ दिन तक लगातार काम करना होगा और शायद हम थक भी जाएं, लेकिन हम जो कपड़े सियेंगे वो हमारे यतीम बच्चों को गर्मी पहुंचाएंगे और बायसे खुशी होंगे उनके लिए। अल्लाह के हुक्म से हम ये इफ्तिताही तकरीब से पहले बना लेंगे इंशाल्लाह। उन बच्चों का सुकून और उनके लबों पर मुस्कुराहट देखकर हमारी थकन भी दूर हो जाएगी। आने में देर कर दी मैंने। जैसे ही मुझे मालूम हुआ मैं मदद के लिए फौरन चली आई। आपने बहुत अच्छा किया। हमने आपको बताए बगैर अपनी दुकान से कपड़े लिए हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप ये कपड़े दिल से अतिया करेंगी। जरूर, मगर आप जानती हैं हमें गाहकों के भी लिबास तैयार करने हैं, उनके सामने हम शर्मिंदा नहीं हो सकते। मैंने ताजिर से कहकर मजीद कपड़े मंगवा लिए हैं, हम शर्मिंदा नहीं होंगे। ठीक है नाइमे बेटी, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। शिवनास खातून को वैसे भी लोगों की मदद करना बहुत पसंद है, ठीक कहा ना? आ जाए। आप हमेशा की तरह अपने कामों में मसरूफ हैं पाशा। रियासत के काम कभी खत्म नहीं होते फवाद साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैरियत तो है, आपका यहां कैसे आना हुआ? क्या मेरे लायक कोई काम है? मैं कर्ज के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन शायद अभी वो आप जमा ना कर पाए हो। बदकिस्मती से नहीं। तो फिर कर्ज के बदले मैं आपसे थोड़ा सा एहसान चाहूंगा। कैसा एहसान?
आप जानते हैं सुल्तान मुअज्जम दारुल खैर अली के इफ्तिताह के लिए जाएंगे। जब सुल्तान मुअज्जम इफ्तिताही तकरीब में जाएंगे तो उनको खुशी होगी अगर लोग वहां शानदार इस्तकबाल करें, है ना? और मैं सुल्तान मुअज्जम का लोगों और तालिबे इल्मों की मदद से आलीशान इस्तकबाल करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनकी गुजरगाहों और एहतियाती तदाबीर से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ पाशा। तहम आपको इल्म होगा। जी हाँ मैं जानता हूँ, मगर आपको इस बारे में नहीं बता सकता। कितने अफसोस की बात है, तालिबे इल्म उनके इस्तकबाल के लिए बहुत पुरजोश है। फिर मैं सुल्तान मुअज्जम के पास जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि मैंने इस किस्म का मंसूबा बनाया और आपने उसे रोक दिया। ठीक है, मैं आपको रास्ते और हिफाजती इकदामात के बारे में बता देता हूँ, लेकिन आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पाए तख्त में तुमने घूम फिर के देखा ये शहर कितना खूबसूरत है ना? जी हाँ खूबसूरत है, लेकिन ये बदल जाएगा। मैं जिस शहर में भी कदम रखता हूँ उसकी तारीख बदल देता हूँ। पाए तख्त में भी पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। अब्दुल हमीद मरेगा और तारीख बदल जाएगी। शिकस्त खाने वाले ही फातेहीन की तारीख लिखते हैं। मैं आपकी आवाज और अल्फाज बनूंगी, जैसा आप चाहते हैं तारीख वैसे ही लिखी जाएगी। हर चीज वैसी ही होगी जैसा आप चाहते हैं। अब्दुल हमीद आपकी अतिया की हुई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में आएगा? वो आएगा, उसके हिफाजती इकदामात के बारे में भी जान लेंगे। तुम जाओ और अखबारात में खबर शाया करवा दो कि सुल्तान गरीब बच्चों की दरसगाह के इफ्तिताह के लिए खुद तशरीफ लाएंगे। इस तरह हम उसके फरार के रास्ते बंद कर देंगे। सुल्तान मौसम, हमने सुना है कि आप दरसगाह का इफ्तिताह कर रहे हैं। ठीक सुना है, दारुल हयार अली, यतीम और गरीब बच्चे वहाँ तालीम हासिल करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ उन्हें कुछ हुनर भी सिखाए जाएंगे। अगर आप मुनासिब समझें तो हम भी एक फरीजा लेना चाहते हैं। बहुत खुशी से उस दरसगाह में कुरान की तालीम भी दी जाएगी। क्या आप बच्चों को कुरान की तालीम देना चाहेंगे? दरअसल हम उस दरसगाह के हवाले से अखबारात में इश्तिहारी मुहिम का काम करना चाहते हैं। क्या ये दिखावा नहीं होगा? आप मदद करना चाहते हैं तो क्या कुरान पाक का दर्स देना बेहतरीन खिदमत में से नहीं है? अब्दुल कादिर आ जाएं। सुल्तान मौज़म, एक अहम मसला है। कैसा मसला? सुल्तान मौज़म, फुआद साहब आए थे, उनके मुताबिक जब आप दरसगाह का इफ्तिताह करने जाएंगे तो अवाम और तुलाबा आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। उन्होंने रास्ते के बारे में पूछा। इसमें परेशानी क्या है पाशा? हिफाजती इकदामात के बारे में भी पूछा। वो हमारे कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। बदकिस्मती से मेरा भी यही ख्याल है सुल्तान मौज़म, मालूमात हासिल करने की कोई और वजह नहीं हो सकती। उन्होंने मुझसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं उनका मकरूज हूँ। सुल्तान मौज़म, हुक्म दीजिए, तकरीब में हम आपकी शिरकत मंसूख कर दें। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत आपकी जिंदगी से आम नहीं है, जरूर उनका कोई न कोई मंसूबा होगा। आप तकरीब में पाशा हज़रात को भेज दीजिए, ये बेहतर रहेगा क्योंकि उनका हदफ आप है। पाशा इफ्तिताह में जाएंगे तो उनका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं जाएंगे। फवाद साहब का आप पर एतमाद करना फायदेमंद है। आप उन्हें गुजरगाहों की तफसीलात बता दें और सिपाहियों की तैनाती से मुतालिक भी आगाह कर दें। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। यकीनन आप गलत मालूमात देंगे उन्हें। आपके उन्हें मालूमात देने के बाद हम भी तकरीब में ना जाने का ऐलान कर देंगे, लेकिन उनका आप पर भरोसा कायम रहेगा। मुझे अफसोस है,
इस दर्द को समझ सकती हूँ। आप समझ सकती हैं, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ सका। मैंने कहा था कि हम फिर नहीं मिलेंगे, फिर आप यहां क्यों नहीं हैं? पता चला आपका साथी इंतकाल कर गया है। जब आप इस कदर रंजो गम का शिकार हो तो महल में कैसे रह सकती थी? आपके गम का सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। मैं आपको देखना और आपसे बात करना चाहती थी, सोचा कि आपके कुछ काम आ जाऊंगी। ज़ैनब, जामगुस मेरा दोस्त, मेरा भाई था। उन्होंने मुझे तकलीफ देने के लिए, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, उकसाने के लिए उसे जान से मार दिया। मेरे इर्द गिर्द हर शख्स की जान खतरे में है, मेरे चारों तरफ मौत है, बताया था आपको। लेकिन मैं, आप कुछ मत कहिए ज़ैनब। मैं ना तो आपकी ज़बान से कुछ सुनना चाहता हूँ और ना ही आपको देखना चाहता हूँ। मेहरबानी करें और यहाँ से चली जाएं। मेरी परेशानियों में और इजाफा मत करें। चली जाएं। अल्लाह आपका भला करे ज़ैनब खातून। जामकुस ने रियासत के लिए अपनी जान दी, उसका गम मत मनाओ, उस पर फखर करो। हम अपना गम तो छुपा लेंगे, लेकिन हमारा दिल जल रहा है। इंतकाम की आग जिस्म और रूह को जला रही है। हमें उसका इंतकाम लेना होगा। जिनके हाथों पर उसका खून है, उनसे बदला लेना होगा। उन्हें माफ नहीं कर सकते। उसके साथ ये सब करने वालों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। बिल्कुल जज़हर, इंतकाम लेंगे हम। जिसने भी जामकुस को कत्ल किया और जो कोई भी इसमें मुलव्वस है, हम उन सबको सजा देंगे। किसे तलाश कर रहे हो? खलील खालिद साहब को। इस संदूक में क्या है? मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है। खलील खालिद साहब के लिए है। जनाब ये आपसे मिलना चाहता है। जाओ। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? मैं तो एक रखवाला हूँ। लोग अपना सामान रखवाते हैं। ये संदूक जामगुस नामी सिपाही के बेटे समी ने छोड़ा था। मेरे पास रोजाना होने वाली अमवात की फहरिस्त पहुँचती है। मैंने उसमें पढ़ा वो वफात पा गया है। अल्लाह उस पर रहम करे। उसने वसीयत में यहाँ का पता लिखवाया था, इसीलिए मैं इसे यहाँ छोड़ने आ गया। उसकी अमानत आपके हवाले करने। वाह मेरे भाई, तुम तो चले गए, तुम्हारा सामान मिल रहा है हमें। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। क्या वो आपका मखलूस था? नहीं, उसने रकम अदा कर दी थी। अब इजाजत दीजिए मुझे। क्या करें चाचा? क्या हम संदूक खोलें? खोलो उस्मान। जामगोस के सामान में ये सलीब क्या कर रही है चाचा? चाचा ये सब क्या है? कत्ल का मंसूबा।
क्या जामगोस ने कत्ल का मंसूबा बनाया था? या तो उसने मंसूबा बनाया या वो मंसूबा बनाने वाले का पीछा कर रहा था। इन नक्शों में क्या है चाचा? धमाकों की जगह। हम लिखेंगे कि अब्दुल हमीद दरसगाह के इफ्तिताह के लिए तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन हम तो उसके मुखालिफ हैं। फिर इस खबर की क्या जरूरत है, मैं समझा नहीं। हम सहाफी हैं, मालूमात पहुंचाना हमारा काम है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गैर जानिबदार लोग भी किसी ना किसी के साथ होते हैं। मैं मंसूबे के बारे में तो समझ गया, लेकिन जामगूस के सामान में सलीब क्या कर रही थी? शायद इसका कोई मतलब हो। क्या मतलब है तादार? गारो, जब वो जनाजे में आया था तो एक दस्तावेज दी थी, उसके मुताबिक जामगूस एक आर्मेनी ईसाई था। भतीजो, बिल्कुल नहीं, वो लोग झूठे हैं। दस्तावेज पे लगी मोहर असली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये हकीकत है जजार, हम झूठ नहीं बोल रहे। तो ये सलीब कैसी है? उसके बाप का नाम सूफी और उसका नाम समी था। क्या आर्मेनी ये नाम इस्तेमाल करते हैं? जब हम इस घर में आए तो वो यहाँ हमें मिला। हम उसे नहीं जानते थे, लेकिन वो हमारे साथ मुसलमानों की तरह रहता था। मैं उसका माजी जानता हूँ, फहीम पाशा के खास आदमियों में से था वो। अगर वो ईसाई होता तो हमसे क्यों छुपाता? हर कोई फहीम पाशा से डरता था। जामगूस को किसी बात का डर नहीं था। फहीम पाशा का एक नौकर इतालवी था, उसने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारी। तौबा तौबा, फिर वो हमारे साथ नमाज के लिए क्यों जाता था? जामगूस के ईमान पर सवाल उठाना बंद करो तुम लोग। एक कत्ल की मंसूबाबंदी की गई है, जामगूस को कुछ मिला होगा, हो सकता है इसी वजह से उसे मार दिया हो। हम क्या करेंगे जनाब? नक्शे में कुछ जगहों की निशानदेही की गई है, धमाके वाली जगह की। हम वहां जाकर वो जगह तलाश करेंगे। आप यहीं रहेंगे आसिफ अब्रे, और इस दस्तावेज का जायजा लेंगे। बारीक बीनी से मुशाहिदा कीजिएगा। जी ठीक है कमांडर, चलो आ जाओ। मेरा काम रियासतों को तबाह करना है, पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। जानते हो क्यों? ताकि इंसान आजाद रहे। आजाद, जब इंसान आजाद होता है तो उसे रियासत की जरूरत नहीं होती। हम रियासत को तबाह करके आजाद हो जाएंगे। बिल्कुल, खोलो इसे। हम इसके साथ क्या करने वाले हैं? खलील खालिद और उसके आदमियों के पास एक नक्शा है, वो उस नक्शे में निशान जदा जगहों पर गढ़े खोदेंगे, और तुम्हारा काम होगा उन गढ़ों में पहले से बम रखना। उनके वहां होते हुए ये कैसे कर सकता हूं मैं? जैसा कहा है वैसा करो। जब तुम वहां जाओगे तो अतालवी खलील खालिद का ध्यान भटका देंगे। आपने बहुत अच्छी कढ़ाई की है बेटी, शाबाश। शुक्रिया सुल्ताना। सुल्ताना, देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ, अब मैं यहाँ सुबह तक काम करूंगी। खुशामदीद ज़ैनब, यकीनन हम ये मिलकर संभाल लेंगे इंशाल्लाह। आ जाइए शहजादी। क्या आप ठीक हैं? मुझे लगता है थक गई हैं। ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है मेरे। नायमे बेटी, क्या आप ठीक हैं? आपको ख्याल रखना चाहिए, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। जाइए बेटी, अब आप आराम कीजिए। शहजादी शर्मिंदा ना हो, मैं आपका काम जारी रखूंगी। ठीक है, फिर हम सुबह जल्दी आकर अपना काम कर लेंगे।
आपके लिए आसानी हो। शुक्रिया बेटी। माशाल्लाह, आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह करती हैं। आप सिलाई में भी बहुत माहिर हैं। बहुत शुक्रिया सुल्ताना। नहीं वाकई, आप पौधों के बारे में भी जानती हैं, आप दूसरी जुबानों को उनके मुकामी लोगों की तरह बोल सकती हैं और तिजारत में भी काफी महारत रखती हैं। बेदार खातून दुरुस्त फरमा रही हैं। आपके खानदान ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है। बिल्कुल, कभी फुर्सत में हम आपके खानदान के बारे में जानना चाहेंगे। आप किन ममालिक में जा चुकी हैं और तालीम कहां से हासिल की, सब बताइएगा हमें। जरूर बताऊंगी सुल्ताना। तातार, यहां उस्मान के साथ मिलकर खुदाई करो। मैं यहां खुदाई करता हूं। जज़ार, तुम नादिर साहब के साथ वहां खुदाई करो, मगर एहतियात से। चाचा, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तातार, कुछ नहीं है। अगर यहां बम होता तो पता चल जाता। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है चाचा। अगर यहां कुछ होता तो अब तक मिल जाता। कुछ नहीं है यहां। यहां कोई बम नहीं मिला जनाब। अगर इससे नीचे हुआ तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमने सही जगह पर खुदाई की होगी। जगह ठीक है, लेकिन मंसूबा झूठा हो सकता है। अब क्या करें, कैसे निपटाएं इसे? हमें जाकर जामगुस के संदूक को फिर से देखना होगा। नीचे दबाओ। शुक्रिया जज़ार मेरे भाई। वो हमें हमारे खोदे हुए गढ़ों में दफनाना चाहते हैं। तुम्हारी मौत यहां लेकर आई है। पीछा करो इनका। अंदर गए वो लोग चाचा। मोहतात रहना, हम लोग अंदर जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो, अगर खलील खालिद आ गया तो ये सारा मंसूबा तबाह हो जाएगा। इंजू, तुम कितने अरसे से जोरिस को जानते हो? उसका नाम बहुत पहले सुना था मैंने, लेकिन मुलाकात को ज्यादा वक्त नहीं हुआ। वो काम की बात करता है, उसके पास कोई मंसूबा है मैं नहीं जानता। क्या तुम्हें कोई मालूमात है?
नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। वो कुछ नहीं बताता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ और मुझे उस बात का पूरा यकीन है। वो क्या है? जोरिस सैमुअल की तरह नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। रुथचाइल्ड ने एक इमारत हत्या की है, वो उसके इफ्तिताह की तैयारी कर रहा है। चलो जल्दी करो। आदमी है जिन्हें सैमुअल पाया तख्त लाया था, हम अभी तक इनका सफाया नहीं कर सके। ये सैमुअल के आदमी नहीं है जिन लोगों ने उसे पाया तख्त भेजा था। हो सकता है उसकी जगह किसी और को सरबरा बनाकर भेज दिया हो। शायद जामगोज ये सब जानता हो। असल राज उस संदूक में है जो जामगोज ने हमारे लिए छोड़ा। हमारे दोस्त वेम्बरी, कहीं हमने गलत तो नहीं कहा? तुम हमारे दोस्त हो ना? मैं तो हमेशा से ही आपका दोस्त हूँ। तो फिर तुमने हमें अब्दुल हमीद के रास के बारे में क्यों नहीं बताया? तुमने अब्दुल हमीद का रास छुपाकर अपनी बेटी रोजा को बंदरगाह के जरिए फरार करा दिया। मेरी बेटी मर चुकी है। तुम हमारी अकल और ताकत का मजाक उड़ा रहे हो वेम्बरी। तुम्हारी बेटी मार्से की बंदरगाह पहुंच चुकी है। मैं मजबूर था जनाब रुथचाइल्ड, क्योंकि फौत और शिवनास दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को मारने का इरादा कर लिया था। तुम्हें उनसे मालूमात नहीं छुपानी चाहिए थी वेम्बरी। जब से तुम यहां आए हो दोहरी सियासत कर रहे हो, सब कुछ जानता हूं मैं। मगर अब तुम्हारी ये दो तरफा सियासत खत्म करने का वक्त आ गया है। जब तक हम यहाँ नहीं थे तुम अपने दोहरे खेल कामयाबी के साथ खेलते रहे, लेकिन अब पाए तख्त आ गए हैं हम। अब्दुल हमीद तुम्हें नहीं मारेगा, मगर हम जरूर मार देंगे। अब बताओ हमें अब्दुल हमीद के रास के बारे में क्या जानते हो, बताओ। अब्दुल हमीद मौसीकी के जरिए खुफिया पैगामात भेजता है। मैंने एक खुफिया रुकन का ताकुब किया जो पैगामात मौसूल कर रहा था। वो मौला फिनारी मस्जिद गया और अचानक मस्जिद में गायब हो गया। बस इतना ही जानता हूं मैं। तो वो इस कदर अहम तंजीम है कि उनसे अब्दुल हमीद बराह रास बात भी नहीं करता? उस्मानियों के तमाम रास उस मस्जिद के एक कमरे में है, लेकिन उस कमरे में जाने के लिए हजारों दरवाजों से गुजरना होगा। मगर अब्दुल हमीद अब जानता है कि मैं उन राजों के पीछे हूँ। बेहतरीन बेहतरीन। मैंने कहा कि अब्दुल हमीद जानता है कि उन राजों के पीछे हूँ मैं। आपने सुना नहीं शायद? अब चूंकि उसे मालूम है कि तुम उसके राजों के पीछे हो, लिहाजा अब उस तंजीम को जेर जमीन जाने का हुक्म देगा। मतलब अब्दुल हमीद बहुत जल्द तंजीम से दोबारा राब्ता कायम करेगा और इस बार हम उन तक हर सूरत पहुंच जाएंगे। इस तरह हम अब्दुल हमीद के और उस्मानियों के 500 साल पुराने राजों को जान लेंगे। तो आप क्या चाहते हैं मुझसे? जब अब्दुल हमीद दोबारा उनसे राब्ता कायम करे तो बस हमें बता देना। कोचवान से कहिए कि तेज चलाए। जी बेहतर सुल्तान मौसम। कोचवान तेज चलाओ, वक्त कम है, तेज चलाओ। करो जाए पाशा। इंशाल्लाह हमें देर नहीं होगी पाशा, मुआहदे की वजह से वक्त जाया हो गया। सुल्तान मौसम, खुफिया तंजीम के अराकीन कहीं अब तक गायब तो नहीं हो गए होंगे? हुक्म मिलने पर वो कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। हमने उन्हें छुप जाने का हुक्म दिया है। अगर वो छुप गए तो उनसे रब्ता करना बहुत मुश्किल होगा।
इंशाल्लाह हम वक्त पे पहुंचे होंगे पाशा। सुल्तान मौसम, अगर वो गायब हो गए होंगे तो उन्हें तलाश करने का कोई रास्ता तो होगा। है पाशा, लेकिन बहुत मुश्किल है। हमारा इस खुफिया तंजीम से रابطہ उस वक्त हुआ जब सुल्तान अब्दुल अजीज की कलाई काट कर उन्हें शहीद कर दिया गया। उन्होंने हमें उस वक्त ये बात बताई कि हमारे भाई मुराद साहब ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं है। जब ये बात कोई नहीं जानता था, वो हमें तैयार करना चाहते थे। 3 माह के बाद तबीबों ने बताया कि हमारे भाई मुराद साहब ज़हनी तौर पर ठीक नहीं और तख्त पर बैठने के लायक नहीं। उसके बाद से हम रابطے में हैं, लेकिन इन हालात में उनकी हिफाजत के पेश नजर हम ये चाहते थे कि वो किसी महफूज मकाम पर छुप जाएं। अगर अराकीन छुप गए हैं तो कोई रियासती बहरान ही उन्हें सामने ला सकता है। जिसका डर था वही हुआ पाशा, वो यहां से जा चुके हैं। कोई रास्ता नहीं है सुल्तान मौसम, वो छुप चुके हैं पाशा। अब जब तक कोई बड़ा रियासती बहरान ना हो वो जाहिर नहीं होंगे, उससे पहले उनकी तलाश नामुमकिन है। ऐसा करने से वो मुझे अगवा करके ले जाएंगे। बिल्कुल पाशा, वो आपको अगवा कर लेंगे, तब आप उन्हें वो दस्तावेज देंगे जिसमें हमारा हुक्म तहरीर होगा। आप ये ढूंढ रही हैं? इसमें सुल्तान मौज़म के इफ्तिताही तकरीब में जाने से मुतालिक तमाम एहतियाती तदाबीर दर्ज हैं। सिपाही कहाँ इंतजार करेंगे और कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा, सब कुछ लिखा है। जिस संदूक पर बेशुबा हो उसकी तलाशी लो। इस जहाज के सारे सामान की तलाशी लेनी होगी। क्या उसने तुम्हारा पीछा किया था? नहीं, नामुमकिन, मुझे किसी ने नहीं देखा।